नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अमझेरा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में शनिवार को राजगढ़ नगर में घर चलो घर घर चलो अभियान चलाया गया, जिसे संबोधित करते हुए विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि कांग्रेस की परिषद में ही राजगढ़ नगर का विकास हुआ है। वर्तमान में अत्यंत आवश्यक आदर्श सड़क का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। नगर के कुल 7 वार्ड में 79 लाख की लागत से डामरीकरण सड़कों का भूमि पूजन किया जा चुका है। विभिन्न वार्डों में सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य पूर्ण हो गए हैं। आगामी समय में नगर में 2 मांगलिक भवन का निर्माण किया जाएगा। वहीं भाजपा की परिषद में नगर की जनता को सिर्फ घोषणाओं का अंबार ही मिला था, विकास तो कहीं नजर नहीं आया। साथ ही जिला कांग्रेस के सह प्रभारी हेमंत पाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज सिंह गौतम, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा, पूर्व युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दिनेश बैरागी आदि ने भी संबोधित किया। इस दौरान 20 युवाओं और महिलाओं ने कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आज क्या कार्यक्रम था? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पर घर चलो घर घर चलो अभियान राजगढ़ में प्रारंभ किया गया, जिसमें कमलनाथ जी के 15 महीनों के कार्यकाल की उपलब्धियां और दूसरी तरफ 17 वर्षों के शिवराज सरकार की नाकामयाबियों को लेकर के जो योजना 15 महीनों में कमलनाथ जी ने जो चालू की थी, 100 रुपए यूनिट, 100 रुपए के बिजली के बिल, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ, वो शिवराज सिंह सरकार ने 100 रुपए का बिजली का बिल से आज हजारों के बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं। साथ ही साथ जो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, उस कर्जा माफी को भी रोक दिया गया है। इस बातों को लेकर के बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के हम लोग किसानों के पास में, युवाओं के पास में, आम जनता के पास में घर घर जा कर के इस अभियान की शुरुआत की है। प्रताप ग्रेवाल, विधायक सदा। अमझेरा से खबर समय जगत के लिए मुकेश राठौर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।